इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मैत्री त्रिपाठी। इंडिया न्यूज लेकर आया है आपके लिए दुनिया का सबसे तेज रफ्तार बुलेटिन न्यूज 222। सिर्फ 22 मिनट में देश और दुनिया की 222 खबरें। जी हां, बस सिर्फ 22 मिनट आप बने रहिए हमारे साथ, पूरी दुनिया की एक एक खबर हम आपको देंगे। दिल्ली के हरिनगर इलाके में एक निर्माणाधीन बिल्डिंग के बेसमेंट की मिट्टी गिरने से 4 मजदूरों की मौत हो गई। हादसा शुक्रवार की शाम 7 बजे के आसपास हुआ, इसमें एक मजदूर गंभीर रूप से जख्मी हो गया। हादसा तब हुआ जब मजदूर बेसमेंट में काम कर रहे थे, तभी अचानक बेसमेंट की मिट्टी गिर गई और मलबे में सभी मजदूर दब गए। मौके पर पहुंची पुलिस, फायर और डिजास्टर मैनेजमेंट की टीमों ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर सभी को मलबे से बाहर निकाला। फिलहाल दिल्ली पुलिस ने बिल्डर और ठेकेदार को हिरासत में ले लिया है। यूएससी मुद्दे पर सरकार और बीजेपी में अहम बैठक हुई। बीजेपी के राम माधव और जेपी नड्डा ने पीएमओ में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह से मुलाकात कर सरकार से मामले को जल्द निपटाने को कहा। आज जितेंद्र सिंह यूपीएससी से सीसैट हटाने के मामले पर गृहमंत्री राजनाथ सिंह से मिलेंगे। यूपीएससी से सीसैट हटाने के लिए आंदोलनरत छात्रों को बड़ा झटका लग सकता है। सूत्रों के मुताबिक अरविंद वर्मा कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में सीसैट को जारी रखने की सिफारिश की है। सूत्रों के मुताबिक कमेटी ने कहा है कि सीसैट की पूरी प्रक्रिया काफी वैज्ञानिक है और इसे हटाने की कोई वजह नहीं। हालांकि कमेटी ने यह भी सिफारिश की है कि सीसैट में हिंदी अनुवाद को लेकर जो समस्याएं हैं उनका निदान किया जाना चाहिए। सूत्रों के मुताबिक यूपीएससी की इस बार की परीक्षाओं की तारीखों में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। हालांकि यह भी कहा जा रहा है कि जो छात्र इस बार परीक्षा में असफल रहेंगे उन्हें एक और मौका दिया जाएगा। यूपीएससी मुद्दे पर संसद के दोनों सदनों में जमकर हंगामा हुआ। हंगामे की वजह से राज्यसभा की कार्यवाही कई बार स्थगित हो गई। कांग्रेस के प्रमोद तिवारी, जेडीयू के शरद यादव और एसपी के नरेश अग्रवाल ने यूपीएससी का मुद्दा उठाया। विपक्षी नेताओं ने मुद्दे के जल्द समाधान की मांग की। यूपीएससी के मुद्दे पर गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने राज्यसभा में जवाब दिया। राजनाथ ने कहा कि वर्मा कमेटी की रिपोर्ट पर विचार हो रहा है, सरकार जल्द इस मामले का समाधान चाहती है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि सरकार इस मुद्दे पर 3 से 4 दिनों में फैसला ले सकती है। 3 से 4 दिन के अंदर ये साफ कर दिया जाएगा कि यूपीएससी में परीक्षा का पैटर्न बदला जाएगा या नहीं। कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने इस पर जल्द फैसले के संकेत दिए हैं। लोकसभा में यूपीएससी मुद्दे पर बहस में सांसद पप्पू यादव इतने उत्तेजित हो गए कि उन्होंने अखबार की प्रतियां फाड़कर स्पीकर की तरफ फेंक दी। श्रीलंका ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जयललिता की तस्वीर और उस पर लिखे लेख को अपनी सरकारी वेबसाइट से हटा दिया है। साथ ही श्रीलंका सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से माफी मांगी है और कहा कि लेख और तस्वीर को आधिकारिक तौर पर मंजूर नहीं किया गया है। दरअसल श्रीलंका के रक्षा मंत्रालय की वेबसाइट पर नरेंद्र मोदी को लिखे जयललिता के प्रेम पत्र कितने सार्थक है नाम से एक लेख प्रकाशित किया गया था। इस लेख के साथ ही एक कार्टून भी था जिसमें जयललिता को मोदी के बारे में सोचते हुए दिखाया गया था। विवादित फोटोग्राफ का देशभर में कड़ा विरोध हुआ। चेन्नई से दिल्ली तक AIADMK के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन केरी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच 7 RCR में करीब घंटे भर बातचीत कर ली। केरी ने पीएम को ओबामा के नियुक्ति का पत्र सौंपा। दोनों के बीच हुई इस मुलाकात में सितंबर में होने वाले मोदी के अमेरिकी दौरे पर चर्चा हुई। साथ ही दोनों देशों के बीच रक्षा, निवेश और ऊर्जा के क्षेत्र में भागीदारी पर भी बातचीत हुई। विदेश मंत्रालय ने पीएम नरेंद्र मोदी के नेपाल दौरे की जानकारी दी है। पीएम 3 अगस्त को नेपाल दौरे पर जाएंगे। 3 अगस्त को ही मोदी की पीएम सुशील कोइराला से प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत होगी। 4 अगस्त को मोदी नेपाल के मशहूर मंदिर पशुपतिनाथ दर्शन करने जाएंगे। बीजेपी सांसद विजय गोयल ने राज्यसभा में यूपी बिहार के लोगों पर विवादित बयान दिया है। गोयल ने एक बहस के दौरान कहा कि दिल्ली की समस्या के समाधान के लिए बिहार यूपी से आने वाले प्रवासियों के प्रवाह पर रोक लगाने की जरूरत है। गोयल ने कहा कि हर साल पूर्वांचल से करीब 6 लाख प्रवासी आते हैं जो यहां झुग्गियों में रहते हैं जो बाद में अवैध कॉलोनियां बनाते हैं। गोयल ने कहा कि अगर हमें दिल्ली की समस्या का समाधान करना है तो हमें प्रवासियों के प्रवाह को रोकना होगा। कांग्रेस नेता महाबल मिश्र ने कहा है कि अब दिल्ली को विजय गोयल के रूप में दूसरा राज ठाकरे मिल गया है। अपने बयान पर बवाल मचता देख विजय गोयल ने अब सफाई भी पेश कर दी है। उनका कहना है कि उनके बयान को कुछ स्वार्थी लोग तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। भोपाल में आरएसएस के चिंतन शिविर का आज तीसरा दिन है। बैठक में आज संघ प्रमुख मोहन भागवत भी शामिल होंगे। चिंतन शिविर में संघ के नेताओं ने मोदी सरकार की नीतियों की जमकर आलोचना की। साथ ही संघ और सरकार के बीच सेतु बनाने के लिए एक तंत्र के गठन पर भी विचार हुआ।
आपको बता दें कि संघ के चिंतन शिविर में बीजेपी नेताओं को दूर रखा गया है। पार्टी व्हिप और संसद सत्र को गंभीरता से नहीं लेने वाले बीजेपी के 30 सांसदों को प्रधानमंत्री मोदी ने तलब किया है। इन सांसदों पर आरोप है कि वो बजट पर चर्चा वाले दिन संसद तो आए लेकिन सुबह हाजिरी बनाकर शाम को चर्चा के वक्त गायब थे। प्रधानमंत्री मोदी ने संसदीय कार्यमंत्री नायडू के जरिए ही इन सांसदों से स्पष्टीकरण मांगने का फरमान सुनाया। साथ ही भत्ता उठाकर संसद से जाने वाले इन सांसदों को ये भी बताना होगा कि पार्टी उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई क्यों न करे। सूत्रों के मुताबिक इन सांसदों को प्रधानमंत्री मोदी के सामने जवाब देना होगा, साथ ही इनसे लिखित माफी भी ली जाएगी। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दफ्तरों में नौकरशाहों की मौजूदगी पर भी नजर रख रहे हैं। प्रधानमंत्री नौकरशाहों के कामकाज पर नजर रखने के लिए अटेंडेंस सिस्टम को आधार कार्ड से जोड़ना चाहते हैं। मोदी की योजना है कि केंद्र सरकार के सभी दफ्तरों में आधार कार्ड से जुड़े बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया जाए। पूर्व विदेश मंत्री नरवर सिंह ने इंडिया न्यूज के एडिटर इन चीफ दीपक चौरसिया से खास बातचीत में राहुल गांधी पर निशाना साधा। पूर्व विदेश मंत्री नरवर सिंह ने कहा राहुल गांधी के लिए राजनीति पार्ट टाइम जॉब है। साथ ही नरवर सिंह ने कहा कि राहुल ने सोनिया को इसलिए पीएम नहीं बनने दिया क्योंकि उन्हें अपनी मां की हत्या का नहीं लगते हैं और हमेशा बड़ी जिम्मेदारी संभालने से बचते रहे हैं। नरवर सिंह ने यह भी कहा कि बुरे बर्ताव के लिए सोनिया ने उनसे माफी मांगी थी। प्रियंका गांधी ने फोन करके मिलने का समय मांगा, घर पर मुलाकात का प्रियंका को समय दिया गया। प्रियंका से साफ कहा किताब में फेरबदल नहीं करूंगा। प्रियंका के पहुंचने के बाद सोनिया घर आई, सोनिया ने मेरे साथ हुए व्यवहार पर माफी भी मांगी। साथ ही नटवर सिंह ने कहा कि वॉल्कर मामले में उन्हें पार्टी ने अकेला छोड़ दिया था और सफाई का मौका भी नहीं दिया था। नटवर सिंह ने कहा कि फाइलें 10 जनपद पर भेजी जाती थी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी सोनिया गांधी को फाइल दिखाया करते थे। इतना ही नहीं, नटवर सिंह का कहना था कि सोनिया गांधी ने उनसे भी डिफेंस डील से जुड़ी एक फाइल दिखाने को कहा था। नटवर सिंह ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर निशाना साधते हुए उन्हें ऋण विहीन व्यक्ति करार दिया। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने प्रारंभिक जांच का केस दर्ज कर लिया है। अगर जांच में फेमा के उल्लंघन की शिकायत सही पाई जाती है तो इन नेताओं के खिलाफ रेगुलर केस भी दर्ज किया जाएगा। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने ईडी से नेशनल हेराल्ड के मामले की जांच कराने की अपील की थी। सोनिया ने इस मामले को कोर्ट में होने की बात कहकर कुछ भी कहने से मना कर दिया। सोनिया गांधी राहुल गांधी समेत 6 लोगों की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने सुब्रमण्यम स्वामी और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई 5 अगस्त को होगी। निचली अदालत ने कुछ दिन पहले सोनिया राहुल समेत 6 लोगों को 7 अगस्त के हाजिर होने का आदेश दिया था। कोर्ट ने प्रथम दृष्टता सुब्रमण्यम स्वामी के आरोपों को सही मानते हुए समन जारी किया था जिसे सोनिया और राहुल ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है। दिल्ली में ई रिक्शा पर लगे बैन को लेकर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष सतीश उपाध्याय के साथ बीजेपी का एक डेलीगेशन उपराज्यपाल नजीब जंग से मिला। नितिन गडकरी ने ई रिक्शा पर बैन नहीं लगने की बात कही थी लेकिन हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब बीजेपी बीच का रास्ता निकालने की कोशिश में है। उपराज्यपाल से मुलाकात के बाद सतीश उपाध्याय ने कहा कि ई रिक्शा बंद नहीं होने देंगे, जरूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। ई रिक्शा के मुद्दे पर अरविंद सिंह लवली ने कहा कि बीजेपी ने सियासी रोटियां सेकने के लिए ई रिक्शा चलाने की घोषणा की थी। हिमाचल की एक अदालत ने बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। दरअसल सांसद अनुराग ठाकुर को सरकारी कर्मचारी के काम में बाधा पहुंचाने के मामले में कोर्ट में पेश होना था लेकिन वो पेश नहीं हुए। सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री मोदी को झटका देते हुए सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामलों की जल्दी सुनवाई से इंकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि सिर्फ सांसदों के मुकदमों की फास्ट ट्रैक सुनवाई नहीं की जा सकती क्योंकि वो कोई विशेष नहीं है। मोदी चाहते हैं कि सांसदों के खिलाफ चल रहे मुकदमे 1 साल के भीतर निपटा दिए जाएं, इसके लिए उन्होंने कानून मंत्री को निर्देश भी दिए थे। सुप्रीम कोर्ट इस बात से सहमत नहीं है कि कोर्ट ने कहा कि महिलाओं और बुजुर्गों से जुड़े ऐसे बहुत से मुकदमे हैं जिनकी तेज सुनवाई की ज्यादा जरूरत है। सोहराबुद्दीन और तुलसीराम प्रजापति एनकाउंटर केस में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और 37 अन्य आरोपियों के नाक टेस्ट की मांग की गई है। सोहराबुद्दीन के भाई ने सीबीआई के स्पेशल कोर्ट में अर्जी दायर कर ये मांग की है। इस अर्जी पर 14 अगस्त को सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय को तिहाड़ जेल में कॉन्फ्रेंस रूम के इस्तेमाल की इजाजत दे दी है। अब सुब्रत रॉय कॉन्फ्रेंस रूम में प्रॉपर्टी बेचने के लिए खरीदारों से बातचीत कर सकते हैं। सहारा प्रमुख को 5 अगस्त को 15 अगस्त तक कॉन्फ्रेंस रूम के इस्तेमाल की इजाजत मिली है। सुब्रत रॉय पुलिस की मौजूदगी में ही खरीदारों से मिल सकेंगे।
सुब्रत रॉय ने निवेशकों का कर्ज चुकाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से जमानत मांगी थी, जिसे ठुकराते हुए कोर्ट ने जेल में ही खरीदारों से मिलने का आदेश दिया था। सारा ग्रुप पर रॉय की अंतरिम जमानत के लिए 10,000 करोड़ रुपए जुटाने हैं। अमेरिका की ओर से भारतीय नेताओं की जासूसी के मुद्दे पर सरकार के रुख ने विपक्ष को हमले का मौका दे दिया। गुरुवार को अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन केरी से बातचीत के दौरान भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने जासूसी का मुद्दा उठाया। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने कहा कि यह बहुत ही अजीब मामला है। तिवारी ने कहा कि एक तरफ बीजेपी कहती है कि स्नूपिंग एक कल्पना है, तो दूसरी तरफ विदेश मंत्री कहते हैं कि स्नूपिंग किसी तरह की बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तिवारी ने कहा कि पहले सरकार ये बताए कि जासूसी हुई भी है कि नहीं, और अगर हुई है तो किसकी। नए सेना प्रमुख दलबीर सिंह सुहाग ने पाकिस्तान को कड़ा जवाब देने के संकेत दिए। आर्मी चीफ ने कहा कि सिर काटने जैसी किसी भी घटना के मामले में भारत फौरन सख्त जवाब देगा। इससे पहले नए सेना प्रमुख दलबीर सिंह सुहाग ने थलसेना अध्यक्ष का कार्यभार संभाल लिया। कार्यभार संभालने के बाद जनरल सुहाग इंडिया गेट पहुंचे, जहां उन्होंने अमर जवान ज्योति पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। नए थलसेना प्रमुख दलबीर सिंह सुहाग को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस मौके पर उन्होंने अधिकारियों और जवानों से मुलाकात की। एनआईए ने बड़ा खुलासा किया है। इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी तहसीन अख्तर और जिया उर रहमान जेल से आतंकी साजिश रच रहे हैं। एनआईए ने दावा किया कि तहसीन अख्तर और जियाउर रहमान को पाकिस्तान में बैठे अपने अकाउंट से भी मदद मिल रही है। हालांकि एनआईए ने यह भी नहीं बताया कि एनआईए और दिल्ली पुलिस की हिरासत में होने के बावजूद वो कैसे आतंकी साजिशें रच रहे हैं। हरियाणा के पंचकुला में कंप्यूटर टीचर्स पर पुलिस ने जमकर लाठियां बरसाई। ये टीचर्स परमानेंट करने की मांग पर 5 दिनों से अनशन कर रहे थे। कंप्यूटर टीचर्स अपनी मांगों के समर्थन में शिक्षक सदन का घेराव कर रहे थे, तभी इनकी पुलिस से झड़प हो गई। पुलिस ने इन्हें रोकने की कोशिश की तो ये पुलिस वालों से ही उलझ गए, जिसके बाद जमकर हंगामा हुआ। महिला टीचर्स पर भी पुलिस ने लाठियां बरसाई, इन्हें दौड़ा दौड़ा कर पीटा। महिला टीचर्स ने पुलिस पर अश्लील हरकत करने का भी आरोप लगाया। मुंबई के कल्याण में अपनी ही बेटी के यौन शोषण का सनसनीखेज मामला सामने आया है। सौतेले पिता पर अपनी 15 साल की लड़की से 2 साल तक यौन शोषण करने का आरोप लगा है। लड़की ने अपने पिता की हरकतों का वीडियो बनाकर पहले अपनी मां को भरोसे में लिया और फिर पुलिस में शिकायत दर्ज कर दी। पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है, पॉक्सो के तहत मामला भी दर्ज कर लिया है। जयपुर में पश्चिम बंगाल की रहने वाली एक महिला के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। महिला के साथ आरोपियों ने लूटपाट भी की, पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। महिला जयपुर घूमने के लिए आई थी, वो जब घूमने के लिए टैक्सी से निकली तो कुछ लोगों ने उसको पकड़ लिया और होटल में ले जाकर गैंगरेप किया। लखनऊ के चिन्हट इलाके में एक नाबालिग छात्रा से रेप का मामला सामने आया। आरोपी लड़की को 1 साल से परेशान कर रहा था। लड़की ने अपने ही एक रिश्तेदार पर रेप का आरोप लगाया है, पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। गुजरात में जामनगर के गोकुल नगर में एक नाबालिग के साथ रेप का मामला सामने आया। यहां पंखा ठीक करने आए मैकेनिक ने नाबालिग से रेप किया, पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। यूपी के भदोही में बीजेपी नेता गोरखनाथ पांडे के बेटे और उसके 3 साथियों पर नाबालिग से गैंगरेप का आरोप लगा है। चारों आरोपियों ने 11वीं पढ़ने वाली छात्रा को अगवा करके उसके साथ गैंगरेप किया, पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। यूपी के इलाहाबाद में 6 साल की लड़की से रेप का मामला सामने आया। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है, साथ ही पीड़ित लड़की को मेडिकल के लिए भेज दिया है। यूपी के आगरा में 4 साल की मासूम से रेप का मामला सामने आया। पीड़ित परिवार को पुलिस ने आरोपी पर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। दिल्ली के दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल में एक महिला आईपीएस को देखकर एक कर्मचारी ने सीटी मार दी, जिस पर जमकर बवाल हुआ। महिला आईपीएस और पुलिसकर्मियों ने उस सीटी मारने वाले कर्मचारी की जमकर पिटाई की, जिससे उसके कान का पर्दा फट गया। अस्पताल में हुई मारपीट की घटना के बाद नर्सिंग स्टाफ और इमरजेंसी डॉक्टर हड़ताल पर चले गए। हॉस्पिटल के कर्मचारी मारपीट करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। जयपुर के नामी स्कूल के एक टीचर पर छात्रा से छेड़खानी का आरोप लगा है, पुलिस ने टीचर को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि आरोपी टीचर का कहना है कि प्रिंसिपल उसे स्कूल से निकालना चाहती हैं, इसलिए उसे फंसाया जा रहा है। धर्मनगरी हरिद्वार में पुलिस ने एक होटल में चल रहे सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने छापा मारकर 4 लड़कियों के साथ 2 लड़कों को गिरफ्तार किया। यूपी के बिजनौर में एक युवक ने अपनी गर्लफ्रेंड को जहर खिलाकर मारने की कोशिश की। लड़की गंभीर रूप से हॉस्पिटल में भर्ती है, साथ ही पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। दिल्ली के गोकुलपुरी इलाके में अवैध निर्माण पर एमसीडी का बुलडोजर चला। लोगों का आरोप है कि उन्हें कोई नोटिस नहीं दिया गया और अचानक एमसीडी ने तोड़फोड़ करना शुरू कर दी।
दिल्ली के सीमापुरी में सेंट्रल बैंक के एटीएम में आग लग गई। आग पहले बिजली के खंभे में लगी, जिसके बाद वो वायर के जरिए एटीएम तक पहुंच गई। आरोपी की फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर देर से पहुंची, जिसकी वजह से एटीएम में रखे 20,000 रुपए और वहीं पर खड़ी एक बाइक जलकर खाक हो गई। दिल्ली के सरिता विहार में स्कूल टीचर और पब्लिक के बीच भिड़ंत हो गई। हंगामा स्कूल में छात्र की पिटाई के बाद हुआ। मारपीट में 3 टीचर और 1 छात्र जख्मी हुए हैं। मामला पुलिस के पास पहुंच गया है। नाराज टीचर हड़ताल पर जाने की धमकी दे रहे हैं। पुणे हादसे पर गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा में बयान दिया। उन्होंने सदन को बताया कि अब तक 51 शव निकाले जा चुके हैं और 8 घायलों सुरक्षित निकाला गया है। पुणे के मालिन गांव में राहत और बचाव का काम जारी है। मलबे में अभी भी 150 से ज्यादा लोगों के फंसे होने की आशंका है। एनडीआरएफ के 280 जवान राहत और बचाव कार्य में लगे हुए हैं, लेकिन मलबा इतना ज्यादा है कि इसे हटाने में अभी 2 दिन और लग सकते हैं। बारिश की वजह से राहत और बचाव के काम में परेशानी हो रही है। पुणे हादसे में बचाव दल ने मलबे के नीचे दबे 3 महीने के एक बच्चे और उसकी मां को जिंदा निकाल लिया। दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां दोनों की हालत फिलहाल खतरे से बाहर है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी आज कुदरत की कहर झेल रहे पुणे के मालिन गांव जाएंगी। सोनिया गांधी पीड़ित परिवार के लोगों से मुलाकात करेंगी, उनका हालचाल जानेंगी। सोनिया गांधी के साथ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण भी मालिन गांव जाएंगे। गुजरात के जूनागढ़ में लगातार भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। 2 दिन से हो रही बारिश के चलते साबली डैम ओवरफ्लो हो गया, जिसके आसपास के गांवों में पानी घुस गया। गुजरात के कच्छ से बाढ़ में बाइक सवार के बहने की दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई है। तेज सैलाब के बीच ये बाइक सवार निकलने की कोशिश करता रहा, लेकिन बाढ़ को पार करने से पहले ही बाइक बाढ़ में बह जाती है। बाढ़ के किनारे खड़े लोग बाइक सवार को बचाने के लिए आवाज लगाते रहे, लेकिन तेज धार में बाइक सवार बह गया। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी नदी का जलस्तर बढ़ने से केदारनाथ यात्रा रोक दी गई है। लगातार बारिश के चलते मंदाकिनी का जलस्तर बढ़ता जा रहा है, जिससे तटीय इलाके डूबने लगे हैं। मंदाकिनी का जलस्तर बढ़ने से केदारनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग को खतरा पैदा हो गया है। हाईवे कई जगहों से टूट गया है। कानपुर पुलिस के स्वरूप नगर थाने के सीओ की हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। सीओ राजेश कुमार नायक ज्योति मर्डर केस के आरोपी पीयूष को दुलार करते नजर आए। सीओ राकेश कुमार नायक पत्नी के कत्ल के आरोपी पीयूष का माथा चूमते भी नजर आए। वहीं इस मामले की खबर लगते ही आला अधिकारियों ने स्वरूप नगर थाने के सीओ राकेश कुमार नायक पर कार्रवाई करते हुए उन्हें हटा दिया है। कानपुर के ज्योति मर्डर केस में पुलिस ने आरोपी और ज्योति के पति पीयूष को कानपुर जिला कारागार पहुंचकर रिमांड पर लिया। कल कोर्ट ने पीयूष को 10 घंटे की पुलिस कस्टडी में भेजने का फैसला सुनाया था, हालांकि पुलिस ने 4 दिन की कस्टडी मांगी थी। ज्योति मर्डर केस में सबूतों की तलाश में जुटी पुलिस के हाथ, एक अहम सुराग लगने की खबर मिली है। पुलिस को ज्योति की एक डायरी मिली है, जिसमें ज्योति ने कई अहम बातें लिखी है। पुलिस को उम्मीद है कि डायरी से पीयूष की हकीकत सामने आएगी। पूर्व केंद्रीय मंत्री और जनचेतना पार्टी के अध्यक्ष विनोद शर्मा का अम्बाला जिला बार काउंसिल में शानदार स्वागत किया गया। इस मौके पर जनचेतना पार्टी के अध्यक्ष विनोद शर्मा ने वकीलों से कई गंभीर मुद्दों पर चर्चा की। विनोद शर्मा ने हुड्डा सरकार पर इंटरव्यू सिस्टम के नाम पर युवाओं से धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया। हरियाणा के समलखा में बीजेपी कार्यकर्ताओं की मीटिंग में पूर्व विधायक भरत सिंह छोक्कर और किसान मोर्चा के जिला महामंत्री विजेंदर ने एक दूसरे की जमकर पिटाई कर दी। दोनों नेताओं में जमकर हाथापाई हुई, लात घूंसे भी चले। कुरुक्षेत्र के सांसद राजकुमार सैनी की अध्यक्षता में मीटिंग हो रही थी। मारपीट के दौरान सांसद राजकुमार सैनी वहां पर मौजूद थे। ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी 3 दिवसीय दौरे पर आज अपने संसदीय क्षेत्र मथुरा जाएंगी। विदेश दौरे से लौटने के बाद हेमा मालिनी ने ट्वीट करके कहा है कि ब्रज के विकास के लिए उनकी प्रतिबद्धता बरकरार है। चुनाव जीतने के बाद अपने संसदीय क्षेत्र मथुरा से लगातार गायब रहने की वजह से हेमा मालिनी की काफी आलोचना हो रही थी। महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी आज अपने संसदीय क्षेत्र पीलीभीत जाएंगी। केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी पीलीभीत में 500 विकलांगों को ट्राईसाइकिल देंगी। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन देहरादून जाएंगे, जहां वो बीजेपी नेताओं से मुलाकात करेंगे। छपरा विधानसभा उपचुनाव के लिए आरजेडी प्रत्याशी और पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह के बेटे रणधीर सिंह ने पर्चा भरा। तो वहीं बीजेपी के बागी नेता डॉक्टर सीएन गुप्ता ने निर्दलीय के तौर पर किया नामांकन। राजेंद्र चौधरी के पास पहले अखिलेश के बगल वाला बंगला था, जो अब राज्य मंत्री जावेद आब्दी को दे दिया गया।
अखिलेश यादव के करीबी रहे राजेंद्र चौधरी ने से पहले मंत्री पद छीना गया, अब उनसे सरकारी आवास भी ले लिया गया। दिल्ली में कल पेशी के लिए साकेत कोर्ट ले जाने के दौरान एक कैदी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। कैदी को ऑटो से कोर्ट ले जाया जा रहा था, हरिनगर में पुलिस वाले पानी पीने के लिए रुके, तभी एक ऑडी कार आकर रुकी और चोर उसमें बैठकर चला गया। गुजरात के कच्छ जिले के बाइबर गांव में एयरफोर्स का प्लेन जगुआर क्रैश हो गया। प्लेन में मौजूद दोनों पायलट विमान में खराबी के तुरंत बाद पैराशूट के जरिए नीचे उतर गए थे। लखनऊ में लोहिया पार्क के पास छेड़खानी कर रहे 5 लड़कों को गिरफ्तार किया गया। सभी आरोपी मंचले फैजाबाद के बताए जा रहे हैं, ये लोग लखनऊ फिल्म देखने आए थे। यूपी के मुरादाबाद की जिला जेल में कैदियों के 2 गुटों में झड़प हो गई। एक मुल्ला हासिम नाम का कैदी गंभीर रूप से घायल हो गया, जिले अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यूपी के शामली में झूला झूलने को लेकर बच्चों के 2 पक्षों में झड़प हो गई। झड़प में एक शख्स की मौत हो गई, पुलिस ने मामले की रिपोर्ट दर्ज कर ली है। यूपी के उन्नाव में प्रेमी प्रेमिका का शव मिलने से सनसनी फैल गई। दोनों शवों के मुंह से झाग निकल रहा था, साथ ही पुलिस ने एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल भी बरामद की। यूपी के कानपुर में जेत व परोशी के धंधे का पुलिस ने 4 लड़कियां और 4 लड़कों को गिरफ्तार किया है।